नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम बात करने वाली हैं आईलिड डैंड्रफ के बारे में। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर निम्मी रानी। डॉक्टर साहिब बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। हमारे श्रोताओं को नमस्कार। देखा जाता है कि कभी कभी किसी को ये समस्याएं होती है कि आँख के पलक पे जो है डैंड्रफ बढ़ जाता है, और ये किन्हीं को बहुत ज्यादा होती है। जो वो लाख कोशिशों या फिर घरेलू उपाय भी कर ले तो वो ठीक नहीं होता है, तो इनका ये डैंड्रफ क्यों बढ़ जाते हैं? ये आँखों के पलक पर डैंड्रफ का जमाव होना, ये कहीं ना कहीं अपने बालों के डैंड्रफ से इसका सीधा संबंध है। जिन भी लोगों में हमने देखा है कि उनके बालों में हमेशा साल भर डैंड्रफ की शिकायत रहती है, या जिनकी स्किन बहुत ऑयली है और उनके चेहरे पर लगातार एक्ने या पिंपल्स की समस्या रहती है, ऐसे लोगों में, और एक हाइजीन की भी बैड हाइजीन, जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिकली अपनी आँखों का रखरखाव नहीं करते, ऐसे लोगों में पलक पर डैंड्रफ का जमना बहुत ही सामान्य तौर पे देखा जाता है। अगर बात कर लें कि अगर इसे साफ ना करवाया गया या फिर इसका इलाज ना करवाया गया तो किसी बीमारी को बढ़ा सकता है? हाँ जी बिल्कुल, ये अपने आप में एक आँखों की क्रोनिक एलर्जी का एक जनक हो सकता है, और इसकी वजह से बड़े इरिटेटिंग किस्म के लक्षण, डिस्कम्फर्ट हो सकते हैं मरीज को। वो लगातार उसकी आँखों में और पलकों में खुजली हो सकती है, आँखों से पानी आ सकता है, आँखों से डिस्चार्ज हो सकता है, और इससे भी गंभीर समस्या, उसकी आँखों की सारी पलकें झड़ सकती हैं, और उसके आई लैशेज अगर एक बार चले जाएंगे तो फिर उनका वापस आना भी संभव नहीं होता है। इसके अलावा एक कंडीशन है जिसको हम स्टाई बोलते हैं या कैलेजियन बोलते हैं, जिसमें कि छोटे छोटे कड़े किस्म के, शुरुआत के दिनों में उसमें दर्द भी हो सकता है, पेनफुल भी हो सकता है या पेनलेस भी हो सकता है। इस किस्म के दाने आँख के पूरे आईलिड के मार्जिन्स में निकल जाते हैं, जो अगर स्वतः खुद से नहीं अगर वो ड्रेन होते तब उन्हें ओटी में हमें ले जाकर पेशेंट को उसको ड्रेन करना पड़ सकता है। तो अगर किसी को बार बार ये समस्याएं होती हैं तो इसका इलाज करवाना चाहिए? बिल्कुल, इसका इलाज होना चाहिए, और इलाज भी इसका बड़ा सरल है, खाली इसमें थोड़ा धैर्य की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले तो जैसा मैंने बोला, ये चूंकि बालों के डैंड्रफ पे निर्भर करता है और आपकी स्किन की क्वालिटी पे निर्भर करता है, तो इसमें एक डर्मेटोलॉजिस्ट का भी रोल है। जब तक हम डैंड्रफ को जड़ से ख़त्म नहीं करेंगे, पलकों पर जो ये डैंड्रफ की समस्या होती है इसका जड़ से निदान संभव नहीं है, तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट को भी ज़रूर मिलें और उनसे अपने स्किन के ऑयलीनेस का ट्रीटमेंट कराएँ, अपने बालों के डैंड्रफ का ट्रीटमेंट कराएं। इसके अलावा एक दो अच्छे एंटीबायोटिक मलहम होते हैं, जो काजल के जैसा पलकों पर रोज रात में सोने के पहले लगाना होता है, और सुबह उठकर हल्के गर्म पानी में कोई सा भी माइल्ड किस्म के शैम्पू का झाग बनाकर उसमें कॉटन डिप करके पलकों की सफाई, ये नियमित रूप से महीने दो महीने करनी पड़ती है। तो अगर जैसे किसी को अगर इलाज करवा रहा है, और घरेलू तौर पर भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जैसे अभी पढ़ना छोड़ दें तो बाहर के गांव में भी अगर समस्या है तो ज़्यादातर वो लोग घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो घरेलू चीज़ों में वो क्या कुछ कर सकते हैं? घरेलू चीज़ों का आँखों में डायरेक्ट सेवन उचित नहीं होता है, है ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि घरेलू चीज़ों के नाम पर लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो एज अ डॉक्टर आई विल नेवर रिकमेंड दैट। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं जो मैंने बोला, ऑयली स्किन का इलाज तो घर पर भी हो सकता है, डैंड्रफ की शिकायत अगर है तो वो घर पर भी की जा सकती है, उसका इलाज हो सकता है, और आँखों के पलकों की साफ सफाई वो घर पर भी अपने नॉर्मल यूज़ होने वाले फेस वॉश, शैम्पू या साबुन से भी किया जा सकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने आँखों के डैंड्रफ के बारे में, जो पलकों के डैंड्रफ के बारे में जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप सबों का धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने पलकों पर होने वाले डैंड्रफ के बारे में हमारे साथ जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।